तो अभी हम जा रहे हैं इंडिया के लास्ट लैंड पॉइंट पे, सो वहाँ पे जाके देखेंगे कि कैसा व्यू दिख रहा है। तो सुबह के हुए हैं 5:22 एंड वी आर रेडी टू सी द सनराइज ऑन द यू नो कन्याकुमारी पॉइंट, कन्याकुमारी बीच। सो लेट्स गेट रेडी एंड अभी तो नाइट है, अभी पूरा अंधेरा है, लेकिन लेट्स जस्ट सी। सो दिस इज द होटल जहाँ पे हम रुके थे। ये पूरा होटल का व्यू आप देख सकते हो। A few moments later. तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, हम क्लियरली देख सकते हैं कि कितना प्यारा दिख रहा है सब, बहुत ही प्यारा है ये। गुड मॉर्निंग, और टाइम हो चुका है 7:36। जो सूरज है वो भी आसमान में आ चुका है, और अभी थोड़ी थोड़ी गर्मी भी लगनी शुरू हो गई है। हम जहाँ पे आए हैं वो है एंड ऑफ द लैंड ऑफ इंडिया, कन्याकुमारी। और ये जो कन्याकुमारी का जो लोकेशन है वहाँ पे एकदम एंड पे हम खड़े हैं, और पूरा ड्राइव करके पुणे से पूरा ड्राइव करके यहाँ पे आना, इट वॉज लाइक डिफिकल्ट एंड टफ जर्नी, एडवेंचरस जर्नी, बट यू नो लाइक We thrilled, we enjoyed it। और वो जो मज़ा आ रहा है यहाँ पे पूरी तरीके से, बहुत ही। अब मेरे पीछे देख सकते हो स्टैचू है का, और हियर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा स्वामी विवेकानंद का रॉक मेमोरियल। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, एंड आप यहाँ पे आके बहुत ही अच्छे शॉट्स देख सकते हो, आप ड्रोन शॉट्स भी देख सकते हो, और पूरा जो खूबसूरती है, पूरी जो मज़ा है उसको आप एंजॉय कर सकते हो। जो स्टैचू देख रहे हो वो है थिरुवल्लुवर स्टैचू, और उसको वल्लुवर स्टैचू भी बोला जाता है। और ये जो स्टैचू है वो 133 फीट जो बड़ा स्टोन से बनाया हुआ है, और जो थिरुवल्लुवर थे या जो वल्लुवर थे वो एक बड़े तमिल पोएट और फिलोसोफर थे। तो आपको ये जो पीछे एक बड़ा सा रॉक दिख रहा है वो है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, और 1970 के अंदर ऐसा माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद थे, उनको
एनलाइटमेंट हुआ था ये रॉक पे आके। और उसका रीज़न ये है कि अकॉर्डिंग टू जो लोकल लेजेंड्स है वो बोलते हैं कि जो गॉडेस जो है पार्वती, उन्होंने जो तपस्या की थी लॉर्ड शिवा के लिए वो यहाँ पे ही की थी। और यू नो उस दिन ऐसा हुआ था कि जो शिवा थे वो आए नहीं थे, और उसकी वजह से जो राइस और जो ग्रीन्स थे वो अनकुक्ड रहे थे, मतलब कि उसको पकाए नहीं गए थे उस टाइम पे। और उसकी वजह से जो भी रॉक्स आजू बाजू में दिख रहे हैं वो ऐसा माना जाता है कि वो राइस या ग्रेन के शेप में है, जो आज भी हमें देखे जा सकते हैं। तो ये और उसकी वजह से ही ये पूरा जो सिटी है उसका नाम कन्याकुमारी रखा गया है। सो ये एक रोचक कहानी है जो मेरे को यहाँ पे आके पता चले। गांधी मेमोरियल का है। तपन अपने को इस साइड से जाने का, तो हम त्रिवेणी संगम के साइड जा रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हो वो है गांधी मंडपम या तो गांधी मेमोरियल। अनफॉर्चुनेटली हम अंदर नहीं जा सके बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शन, बट ये जो जगह है वहाँ पे गांधी जी के जो अस्थियां है वो उनके डेथ के बाद यहाँ पे रखी गई है। पूरा ये जो है वो कन्याकुमारी का है। यहाँ पे इस साइड पे है बे ऑफ बंगाल, इस साइड पे अगर आप जाके देखोगे तो वो है इंडियन ओशन, और इस साइड पे अगर आप देखोगे तो वो है अरबी समुद्र। और ये पूरा त्रिवेणी संगम का जो लुक है बहुत ही प्यारा दिख रहा है। A few moments. So यहाँ पे अभी हमारे पास है डोसा और we have इडली एंड मेंदू वड़ा, सांभर चटनी एंड दैट वाइट कोकोनट चटनी। मज़ा इन 200। आप जो भी कन्याकुमारी में आए जस्ट मेक श्योर टू विजिट दिस होटल, होटल विश्वा, बहुत ही प्यारी होटल है। ये जो दीवा डांडी है जो मैं आपको रात को दिखा रहा था, और ये हमारी गाड़ी है पार्क करी हुई, और ये है होटल जहाँ पे हमने स्टे किया था। आप होटल का नाम देख सकते हो, शांति रेसिडेंसी, 1000 रुपये का पड़ा था, और बहुत ही प्यारा ये होटल का नाम आप देख सकते हो। और यहाँ से जब हम निकलते बाहर तो जस्ट मतलब कि यहाँ इस साइड अपने
लेफ्ट साइड पे आपको 500 मीटर्स में पूरा दरिया दिख जाएगा, और यहाँ पे आप ये जो दीवा डांडी है वो देख सकते हो, एकदम प्यारी सी लग रही है।